शहर के दुर्गा कॉलोनी क्षेत्र के रहवासियों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर यहां हो रहे अवैध अतिक्रमण की शिकायत की। कॉलोनी वासियों का कहना है कि दुर्गा मंदिर के पीछे एयरटेल टावर के पास प्रमोद कुमार जैन द्वारा अपने प्लॉट के चारों ओर 5-5 फुट का कब्जा कर आसपास के रास्तों को अवरुद्ध किया गया है। पूर्व में रहवासी इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अवैध कब्जे पर स्थायी निर्माण बढ़ता चल जा रहा है। रहवासियों के अनुसार पूर्व में न्यायालय द्वारा भी कब्जे का निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया था, जो ठंडे बस्ते में चला गया। कलेक्टर को दिए आवेदन में रहवासियों ने यहां के कब्जे को हटाकर उक्त मार्ग को शहर के मॉडल सड़क के रूप में विकसित करने की मांग की है। कुछ समय से कुछ ज्यादा ही परेशानी आ रही है अतिक्रमण की। जिस गली में हम रहते हैं टावर के पास, एयरटेल टावर के पास दुर्गा मंदिर के पीछे, वहाँ पे इतनी ज्यादा समस्या की 30 फुट की रोड थी पहले, पीछे तो पूरी है लेकिन आगे जो फ्रंट है वो फ्रंट एक साइड कॉलोनी कट गई, वहाँ से पैक हो चुका है। जो फ्रंट है फ्रंट से केवल 8 या 10 फिट रह गई है। कुछ दमंगों ने कार्रवाई करके अतिक्रमण करके रास्ता बंद करता जा रहा है धीरे धीरे। और अभी नई रोड डली, उस रोड को भी जो जिस तरीके से नाली बनना थी उनके मकान से चिपक के, वो उससे 5 से 8-10 फिट आगे उन्होंने अपनी दादागिरी दिखा के और नाली निकलवाई है, जिस वजह से वो रोड भी वो सकली डली। और किसी भी कारण से ना तो कोई फायर ब्रिगेड आ सकती वहाँ, जिस गर्मियों में परेशानी आए पानी की तो टैंकर नहीं आ सकता, ऐसी कई परेशानियाँ आए। मान लो हम 4-व्हीलर लेके जाते हैं या हमारे यहाँ कोई आता है तो वो नहीं आ सकते, तो क्योंकि बगल में गड्ढा हो चुका। अच्छा, उन्होंने अपनी मन मर्जी से गिट्टी भर के और उस पर है ना पत्थर की बाउंड्री भी कर ली है, जिस वजह से और ज़्यादा परेशानी आने लगी है। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई कुछ नहीं, हम निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं और अतिक्रमण हटवाया जाए, जिससे कभी भी भविष्य में वो भी खुश मत रहे, हम भी रहे और हमारे फ्री हो जाओ, हमारा रास्ता कुल मिला खुल के आए सामने। आपने आवेदन ये विशेष रूप से SDM का नाम लिखा, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? निष्पक्ष कार्रवाई के मामले में सुना गया मैडम को हमने हमेशा, और जिस तरीके से वो उन्होंने अच्छे कार्य किए शहर में और कर भी रहे हैं आगे, तो इसलिए उनसे थोड़ी सी हमारी इच्छा जागी है और उनका नाम भी हमने इसलिए दिया कि हमको उनसे उम्मीद है, और उम्मीद की किरण जिससे जागती है उसका ही नाम लिया जाता है, कोई और कारण नहीं है।